दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए टीम इंडिया का हो गया ऐलान। 15 खिलाड़ियों को चुना गया और 4 खिलाड़ी को रिजर्व में रखा गया। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि T20 वर्ल्ड कप में भारत के 15 धाकड़ खिलाड़ी कौन से होंगे और 4 खिलाड़ी वो कौन से हैं। अगर उन 15 खिलाड़ियों में से कोई चोटिल हो गया तो उनकी जगह कौन लेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं, जहां दोस्तों भारतीय टीम की कप्तानी T20 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा करते दिखाई देंगे। तो इसके बाद दूसरे खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल हैं। तो इसके बाद विराट कोहली हैं। तो चौथे नंबर पर सूर्य कुमार यादव और पांचवें नंबर पर विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत। तो छठे नंबर पर संजू सैमसन को भी इस बार टीम में मौका मिला है। और दोस्तों पहली बार संजू सैमसन ICC का कोई बड़ा टूर्नामेंट भारतीय टीम की तरफ से खेलने जा रहे हैं। तो दोस्तों इसके बाद भारतीय टीम की वाइस कप्तानी हार्दिक पांड्या को सौंपी गई है। और दोस्तों इसके बाद शिवम दुबे इस मुकाबले में खेलते दिखाई देंगे। और दोस्तों इसके बाद 4 स्पिनरों को इस वर्ल्ड कप में मौका मिला है। पहले रविंद्र जडेजा, इसके बाद अक्षर पटेल और दोस्तों इसके बाद कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल को भी टीम में जगह मिली है। तो दोस्तों इसके बाद 3 तेज गेंदबाजों को इस मुकाबले में भारतीय टीम की तरफ से प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। पहले अर्शदीप सिंह, दूसरे जसप्रीत बुमराह और तीसरे मोहम्मद सिराज। और दोस्तों ये 15 खिलाड़ी भारत के प्रमुख खिलाड़ी हैं, जो कि दोस्तों खेलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन दोस्तों इन खिलाड़ियों में से कोई खिलाड़ी चोटिल हो जाता है या फिर किसी वजह से वो मुकाबले नहीं खेलता है तो फिर दोस्तों रिजर्व खिलाड़ी काम आएंगे। और दोस्तों रिजर्व खिलाड़ी में शुभमन गिल, रिंकू सिंह, खलील अहमद और दोस्तों आवेश खान को रखा गया है। जहां दोस्तों सबको लगा था कि रिंकू सिंह भारत के मेन स्क्वाड में होंगे, लेकिन दोस्तों रिंकू सिंह को रिजर्व प्लेयर में रखा गया है। ऐसे में दोस्तों आपको भारत के ये तगड़ा स्क्वाड कैसा लगा, आप अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट में जरूर बताएं।